हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अजंजी ब्लॉग। तो सुबह सुबह मैं आप किचन में लगी हूँ। किचन में डेली लगती हूँ बट मैं कभी शेयर नहीं करती, तो मैंने सोचा आज शेयर कर दूँ। बहुत दिन हो गया था तो बस मैं यहाँ पे बना रही हूँ आलू का पराठा। सुबह सुबह इनका खाने का बहुत मन था कि ठंडी का टाइम है, आलू का पराठा बनाओ। बस वही आलू का पराठा मैंने बनाया हुआ है। और सुबह सुबह मुझे इतने ज़्यादा काम रहते हैं कि मैं और कुछ सोच ही नहीं पाती हूँ। आप लोग खुद देख सकेंगे, आप लोग को लगता है कि मैं काम नहीं करती, सिर्फ वीडियो बनाती हूँ, लेकिन आप लोग देखिए कि मैं वीडियो के एक साइड में क्या काम करती हूँ। मतलब सुबह का इतना ज़्यादा काम रहता है, मैं क्या बताऊं। किट्टू को स्कूल भेजना, फिर इनकी ऑफिस का सब तैयार करना, खाना पीना, क्योंकि ये सुबह जाते हैं शाम को ही आते हैं, तो उनको खाना वाना सब सुबह ही चाहिए होता है। तो बस वो बनाया, फिर मैंने किचन साफ़ किया। किचन साफ़ करने में तो मुझे खाना बनाने ज़्यादा टाइम लग जाता है गाइस। तो फिर इतना सारा बर्तन था वो साफ़ किया मैंने। उसके बाद जितने भी बॉटल्स होते हैं पानी वगैरह का, वो साफ़ करती हूँ। पानी में हम लोग फ्रिज का नहीं पीते हैं, बट हाँ बॉटल में भर के रख लेते हैं कभी कभी ऐसे बेड के पास पीने के लिए। बस ये बॉटल क्लीन करती हूँ मैं डेली, क्योंकि पीने का बॉटल है तो साफ़ रहना चाहिए। उसके बाद किट्टू का बॉटल साफ़ करती हूँ। किट्टू इस टाइम गर्म पानी पी रही है, तो मिल्टन का भी सफाई करना ज़रूरी होता है, तो वो साफ़ किया मैंने। मतलब इतना ज़्यादा काम रहता है कि अगर आप जानबूझ के आराम करने ना बैठो तो आपको पूरे दिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम आपको दिख जाएगा। और किचन काम ऐसा होता है वो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता। लोग कहते हैं सिंक का बर्तन और ज़िंदगी में दुख कभी ख़त्म नहीं होता, तो वो बहुत सही कहते हैं। यहाँ गर्म पानी मैं कर रही हूँ किट्टू के लिए, मिल्टन में भरने के लिए। उसके बाद सारा काम होने के बाद मैं किचन का अच्छे से क्लीन अप करती हूँ, बैठ के अच्छे से पोछा लगाती हूँ। मैं ऐसे वाइपर से नहीं करती क्योंकि ये किचन का है, तो मैं अच्छे से पोछा लगाती हूँ। हाथ से जो लगता है पोछा वो बहुत ही क्लीन होता है, थोड़ा बहुत पोछा लगाना चाहिए। उसके बाद चकाचक मेरा किचन हो गया है साफ़ सफाई कंप्लीट। और उसके बाद अभी नहा धो के मैं फ्री हुई हूँ, तो आज लंच में हम लोग का यही बना हुआ है। कभी कभी मन करता है तो बस वही खा रही हूँ। आप लोग भी जल्दी जल्दी से आ जाइए। हाँ तो गाइस, फाइनली अभी हम लोग फ्री हुए हैं। घर के इतने काम रहते हैं वो ख़त्म ही नहीं होते, छुट्टी दिन तो और भी ख़त्म नहीं होते हैं। तो अभी बज रहा है दो बज गया है ना, दो बज गया है और अभी हम लोग लंच कर रहे हैं। वैसे दो बजे तक वैसे भी लंच हम लोग करते ही हैं, लेकिन आज तो ऐसा काम भी था। और बस आज मैंने बनाया हुआ था जो आप लोगों ने देखा, बस वही हम लोग कर रहे हैं। आलू का पराठा है, चटनी है। चटनी हम लोग इस तरीके से बनाते हैं कटर में, बहुत अच्छा लगता है। जैसे समोसे की दुकान पे मिलता है ना, उस टाइप का बहुत अच्छा लगता है इसे खाने में। बहुत लोग सब्जी के साथ भी खाते हैं बट मुझे सब्जी के साथ अच्छा नहीं लगता है। तो आप लोग भी जल्दी जल्दी से। और यहाँ पे देखिए मेरी बिटिया रानी का करामात, वो नेल आर्ट की हैं, अपना भी की हैं और मेरा भी की हुई है, तो कैसा है बताइएगा आप लोग कमेंट कर। और आज मैं भी निकलना है एक जगह, मतलब हम लोग के बगल में यहाँ पे जो वाला रूम आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे रहती थी पहले करिश्मा भाभी, वो अब यहाँ नहीं रहती, पास में ही रहती हैं। तो बस उनकी हुई है बेटी, मतलब बच्ची हुई है, एक महीने की हो गई है। मैं वहाँ पे नहीं जा पाई हूँ, बहुत दिन से वो बुला रही थी, तो बीच में मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मैं बाहर निकल ही नहीं पा रही थी, एकदम बेड पे थी। तो अभी मुझे अच्छा फील हो रहा था, तो मैंने सोचा कि यार बच्ची बड़ी भी हो गई है इतनी, एक महीने से ऊपर हो गई है, मैं वहाँ से मिलने नहीं जा पाई हूँ। तो बस वही हम लोग जा रहे हैं, संडे का दिन है तो वो सब भी फ्री होंगे और हम लोग भी आज फ्री हैं, तो सोचे कि मिल आएँ और बच्ची को आशीर्वाद भी दे आएँ, देख भी आएँ, बहुत दिन से मन हो रहा था। तो बस वही जा रहे हैं हम लोग देखने। अभी उनका मैं रूम नहीं जानती कहाँ पे है, थोड़ा पूछना पड़ेगा क्योंकि मैं पहली बार अभी जा रही हूँ, तो पूछना पड़ेगा। और अभी हम लोग कॉल करेंगे और पूछेंगे कि आपका रूम कहाँ है, कैसे है, उसके बाद हम लोग वहाँ जाएंगे। ब्लॉग में बने रहेगा, ब्लॉग बहुत अच्छा। हाँ तो गाइज़ मैं हो गई रेडी और किट्टू भी रेडी हो चुकी हैं, और बस हम लोग निकल रहे हैं क्योंकि 5 बज गए हैं और बहुत ज़्यादा शाम भी हो गई है। अभी जाएंगे फिर वहाँ उनसे मिलेंगे। अभी कुछ गिफ्ट लेना है बच्ची के लिए, जिसके मतलब उनकी बच्ची के लिए कुछ लेना पड़ेगा, तो अभी बच्ची के लिए कुछ गिफ्ट भी लेना है उनके, तो देखते हैं क्या लेते हैं। और कपड़े वगैरह लूँगी मैं और कुछ गिफ्ट भी लूँगी, फिर उसके बाद हम लोग वहाँ पहुँचते हैं। आप लोग ब्लॉग बने रहिएगा, चलिए फिर चलते हैं। तो अब हम लोग गिफ्ट ले चुके हैं, छोटा सा खिलौना ले लिए क्योंकि वो बहुत छोटी तो क्या ही खेलेगी, तो छोटा सा खिलौना ले लिया हम लोगों ने। और उसके बाद आगे चल के कुछ कपड़े वगैरह ले लेंगे उसके लिए। तो बस उनके घर के थोड़े से पास में ही एक शॉपिंग मॉल था, मतलब छोटा सा शॉपिंग मॉल था, तो हम लोगों ने सोचा कि ठीक ठाक लग रहा है देख के। मतलब अभी तो मैं यहाँ पहली बार ही शॉपिंग करने आई हूँ, बस यहाँ से हम लोग कपड़े लेते हैं, उसके बाद हम लोग घर चलते हैं क्योंकि घर का भी कुछ पता नहीं है, थोड़ा खोजने में टाइम लग सकता है। तो यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उसके लिए क्या लूँ। है तो लड़की बट फ्रॉक वगैरह मैं इस समय दे नहीं सकती थी क्योंकि है ठंडी और ठंडी में कुछ उलन कपड़े देने चाहिए। तो बस वही मैं सोच रही थी क्या दूँ क्या दूँ, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी। फिर उसके बाद लास्ट में मुझे कुछ पसंद आया और उसका रंग भी पिंक था और लड़कियों का फेवरेट पिंक होता है, तो मैंने सोचा ठीक है ये ले लेते हैं। उलन भी था, अच्छा लग रहा था मुझे, ये था मैंने यही लिया है। और इसके साथ सॉक्स वगैरह भी मैंने ऐड करा लिया था, तो कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा। और फिर वही हम फिर उसके बाद क्या होता है, किट्टू रूठ जाती हैं। किट्टू को ये होता है कि किसी के लिए बच्चे के लिए कुछ लिया जा रहा है तो मेरे लिए क्यों नहीं लिया जा रहा है। और उसके एक दिन पहले ही किट्टू के लिए मैंने शॉपिंग करके आई थी, बट क्या कर सकते हैं बच्चे हैं, जिद पे अड़ गए, तो इसके लिए भी मुझे कुछ लेना पड़ा। हम लोगों ने
कपड़ा ले लिया है, जो लिया है मैंने आपको दिखाया ही, और किट्टू भी रूट गए हैं कि हमको भी लेना है तो इनको भी एक दिला दी हूँ। ये जब भी जाते हैं किसी के लिए कुछ लीजिए तो बस इनको भी चाहिए होता है, इन्होंने एक लोअर लिया हुआ है और इनको संतोष हो गया, मेरे लिए भी लिया गया है। काफ़ी कपड़े रखती है लेकिन इसको ये होता है भाई किसी के लिए लिया जाए तो हमारे लिए भी लिया जाए। अब सही हो, हैप्पी हैप्पी नाउ। हम लोग अब चल रहे हैं करिश्मा भाभी के यहाँ। तो ये है कॉलोनी करिश्मा भाभी की। हम लोग को थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी, आराम से मिल गया था कॉलोनी, और क्योंकि भैया ने एड्रेस बता दिया था। तो बस हम लोग इनके घर के पास आ गए हैं, अभी भैया को फ़ोन करके बुलाते हैं फिर हम लोग अंदर चलते हैं। तो फाइनली भैया आए और हमको ले गए अंदर। तो ये है करिश्मा भाभी, इन्हीं की बच्ची है। तो बच्ची का फेस मैंने रिवील नहीं किया हुआ क्योंकि बहुत छोटी है ये। या करिश्मा भाभी टीचर हैं तो उनकी एक फ्रेंड है, ये भी टीचर हैं दोनों, तो ये भी इनको देखने ही आई थी उसी टाइम। और ये हैं उनके हस्बैंड करिश्मा भाभी के, प्रशांत भैया नाम है इनका। और ये किट्टू पापा को आप लोग जानते ही हैं। और ये हैं रंजना जो हमारे घर भी आती हैं, अगर आप मेरा ब्लॉग देखते होंगे तो जानते होंगे। तो यहाँ पे आई हैं थोड़ा सा इनका हेल्प कराने। और ये देखिए किट्टू आते हैं यहाँ पे, मस्ती करने लगी, अपना डांस दिखा रही है सबको और सब बहुत खुश होते हैं। तो गाइस हम लोग घर आ गए हैं और बस अब कुछ सोच रहे हैं क्या बनाएं डिनर में, तो वही बनेगा, उसके बाद हम लोग खाएंगे पियेंगे। तो ये था मेरा छोटी सा ब्लॉग, आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा अगर न्यू है तो। और अब मैं मिलती हूँ किसी अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक अंजलि सिंह को दीजिए विदा, बाय बाय, टेक केयर।